हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 10th और 12th के बाद नेवी ज्वाइन कैसे करें। ठीक है, देखिए, सबके माइंड में चलता है कि हम 10th पास कर लिए हैं, मुझे एक सरकारी नौकरी की ज़रूरत है। ठीक है, सब लोग को भाई चाहिए आज के डेट में। आज का जो सिचुएशन चल रहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो समझो कि कोई नहीं पूछेगा आज की डेट में, पहली चीज़ है ना। तो देखिए, 10th अगर आपने पास कर लिया है या फिर 12th आपने पास कर लिया है तो आपको नेवी कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी चीज़ें होता है जो कि आपको, मतलब आपके, अब मान लीजिए कि सबसे पहला स्टेप तो होता है फॉर्म भरना, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें एलिजिबल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब ए से लेकर जेड तक इसमें जितना भी होता है ना, हम पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने इंडियन नेवी MRSR AA के लिए क्लास शुरू कर दी है, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर जिनको लगता है कि मुझे इस बार एग्ज़ाम को क्लियर करना है या फिर सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग जाके हमारे क्लास को रेगुलर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि 10th और 12th के बाद नेवी ज्वाइन कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ तो हम बात करेंगे 10th, जितने भी हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, खास करके यूपी बोर्ड हो या फिर बिहार बिहार बोर्ड हो, बंगाल बोर्ड हो, जितना भी बोर्ड होता है 10th लेवल का, तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि ये जो इंडियन नेवी MR का जो भर्ती आता है, मई जून में आएगा अभी, तो ये जो 10th लेवल पे वैकेंसी निकाला जाता है, ये गवर्नमेंट जॉब है। सबके माइंड में चलता है कि सर ये सरकारी है या फिर नहीं। अभी 2 दिन पहले आ रहा था कि सर ये सरकारी है या फिर प्राइवेट है, तो भैया ये जो इंडियन नेवी MR है ये सरकारी जॉब है। ठीक है, हो गया ये हमारा बात कि सरकारी और प्राइवेट का। बात करते हैं कि इसमें 10th के, मतलब 10th में क्या क्या चीज़ें होता है, कैसे प्रोसेस होता है इंडियन नेवी MR के लिए। तो देखिए, इंडियन नेवी MR में कुछ ज़्यादा खास, मतलब 12th वाले जैसा नहीं होता है। इसमें बस आपको एक चीज़ पक्का करना होगा, बस मैट्रिक 3rd डिवीज़न से या फिर 1st 2nd 3rd जो भी हो, बस आपको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। मैट्रिक आप पास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, आप, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिहार बोर्ड के हैं तो 30% इसमें है, तो 40% इसमें है, तो 50%। परसेंटेज का 1% जिक्र नहीं किया गया है कि आपका इसमें परसेंट, ठीक है, परसेंटेज रहे तो भी ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है, आपके एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, पहले क्या था कि हम लोग का पहले परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आता था, लेकिन अब हम लोग का ये सब बराबर इंक्लूड, मतलब एकदम इक्वल कर दिया कि भाई सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आप क्यों ना बंगाल से हो, आप क्यों ना बिहार से हो, आप क्यों ना यूपी बोर्ड से हो, ठीक है, सबका एडमिट कार्ड, मतलब कि 1st हो 2nd हो 3rd पे जारी किया जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब देखिए, इसमें होता है आपका 3 पोस्ट इंडियन नेवी MR में, सेफ, हाइजेनिस्ट, स्टीवर्ड, 3 पोस्ट होता है। ठीक है, तो सेफ का मतलब सब लोग को जाने, कुकिंग वुकिंग वगैरह सारा सब, कुकिंग ये हो गया, हाइजेनिस्ट पोस्ट होता है, उसके बाद स्टीवर्ड होता है, इसमें वही खाना बनाओ पीना साफ सुथरा, ये तीनों पोस्ट में मतलब बांटा जाता है। ये हमारा 3 पोस्ट निकल गया। अब देखिए, इसमें जो वैकेंसी आता है 400 पोस्ट निकाला जाता है हर 6 महीने बाद। मान लीजिए कि अभी मई जून में आएगा, तो उसके बाद आपका 6 महीना, मतलब 6 6 महीने, कहने का मतलब है कि साल में 2 बार वैकेंसी निकाली जाती है इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, इंडियन नेवी MR हो, SSR हो, डबल ए हो, साल में 2 बार वैकेंसी निकाली जाती है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी MR में ही पोस्ट, हमने क्लियर कर दिया कि 3 पोस्ट होता है, 10th लेवल पे होता है। अब देखिए, बच्चे का माइंड में चलता है कि सर एज लिमिट क्या होता है, तो खैर एज लिमिट आपने अगर मैट्रिक पास किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिन्होंने 12th पास कर लिया या फिर उनको, मतलब ऐसा भी होता है कि मेरा एज ज़्यादा है 12th करने के बाद भी, तो अब आपका जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस टाइम मालूम चलेगा कि आपका जो एज है क्या। लेकिन देखिए, हम तो यहाँ पे, अगर बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि 17.5 से लेकर, मतलब सभी बच्चे जाने लगते हैं इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी में, तो खैर एज तो नोटिफिकेशन आएगा तो सभी को मालूम चल जाएगा, लेकिन जो लोग भी 10th और 12th पास किए हैं तो उनका कोई दिक्कत नहीं। एज में ऐसा नहीं होगा कि आपका एज मतलब नहीं मिलेगा या फिर ऐसा होगा, एज आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया इंडियन नेवी है, मैंने आपको सारा चीज़ मैंने अभी क्लियर करवा दिया।
इसमें आपको 10th पास है जरूरी होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, एज आपका मतलब जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको एलिजिबल होना चाहिए। उसके बाद आप फॉर्म भरिए, आगे की ओर प्रिपरेशन कीजिए, आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 12th लेवल पे। अगर आप 12th पास किए हैं तो आपको नेवी कैसे ज्वाइन करना है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ खास नहीं है, बस कुछ खास नहीं। इसमें भी 12th पास किए हैं, देखिए इंडियन नेवी AA SSR बात करते हैं, तो AA में 60% चाहिए आपको पूरा ऑल जो होता है मार्क्स, तो 60% मार्क्स होना आपको ज़रूरी है ओवरऑल। तो 60% आपका मार्क्स हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आपका 59% है AA में तो आपके एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सिर्फ AA में अभी आपको किया गया है, सिर्फ अभी मान लीजिए अगर आपका 60% से कम है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, अगर 60% से प्लस है या फिर 60% है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं SSR के बारे में, थोड़ा सा अभी बात करेंगे उसका भी सिलेबस के बारे में, स्टडी कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए SSR में क्या है कि SSR में इसमें परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है। अगर आप 12th पास हैं, 12th पास हैं तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, सिंपल से बात है। यहाँ पे परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है, 12th पास है, अच्छे नंबर या फिर कोई कोई दिक्कत नहीं है, 12th पास है ना तो आपका SSR के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, एज क्या होता है और सारा इसमें कैसे होता है। तो देखिए इंडियन ने भी ये आपका MR में तो तीन पोस्ट तो निकल ही जाता है, सेफ स्टीवर्ड हाइजेनिस्ट, उसके बाद इसमें ऐसा कोई पोस्ट नहीं होता है इंडियन नेवी AA में और SSR में। SSR हो गया आपका सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट हो गया, और AA हो गया आर्टिफिशर अप्रेंटिस होता है ना, ये चीज़ हो गया आर्टिफिशर, तो ये चीज़ हो गया हमारे दोनों पोस्ट। तो इसमें देखिए AA और SSR आजकल तो सेम एग्ज़ाम हो रहा है, मतलब दोनों का जो एग्ज़ाम है सेम लिया जा रहा है, एकदम सब चीज़ सेम हो रहा है। तो अगर आप AA की तैयारी करेंगे तो समझो कि आप SSR का भी तैयारी कर रहे हैं। अगर जो बच्चा AA का मन से कर रहा होगा ना तो समझो कि SSR उसके लिए चुटकी में है। ठीक है, और SSR भी करेगा तो समझो कि AA आराम से निकल जाएगा, मतलब जो सवाल आएगा सेम आएगा, कहने का मतलब यही है, मतलब सेम चीज़ है। तो मन से पढ़ो, यही बताना था आपको कि 10th के बाद और 12th के बाद बस दो ही चीज़ ध्यान देना कि एलिजिबल है। ठीक है ना, आप मान लीजिए सब लोग को लगता है कि हम 10th पास कर लिए, कितनी उम्र होगा तो 16 बरिस, बहुत सारे बच्चे का 15 भी, 16 होगा, 17 भी होगा, तो जिनका 17 मिलेगा 17.5 में तो फॉर्म भरेंगे, जिनका मान लीजिए कि 16 है या फिर 16 से कम है तो उनको प्रिपरेशन करने का अभी से ही ज़रूरत है। ठीक है, तो चैनल पे आके आप लोग जुड़ो और स्टडी करो मन से, यही बताना था आपको। और एज लिमिट और सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तीनों का, तो देखिए सैलरी तो डिपेंड करता है, अब नोटिफिकेशन में सो में से दिया गया है 16,600 अभी स्टार्टिंग में, शायद ट्रेनिंग में इंडियन नेवी MR के लिए, और सबका अलग अलग रहता है। लेकिन जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे 3 साल के बाद, या फिर तो ट्रेनिंग मतलब कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे एक और रहता है कुछ 3 साल के बाद, तो वहाँ पे आपको सारा पेमेंट इंक्लूड करके ऐसे वैसे करके सब दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोसेस है इंडियन नेवी में, बस इसमें कोई खास नहीं है। और मेडिकल में इसमें भी देखिए एयरफोर्स की अपेक्षा तो मेडिकल इसमें बहुत ईजी होता है, सिर्फ आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो बस PFT के लिए तैयारी करना है, फिजिकल PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए तैयारी करना है। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे मेडिकल के लिए, तीनों के लिए सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है कि AA का अलग होगा, SSR का अलग होगा या फिर MR का अलग होगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, सभी का सेम होता है। बस आराम से क्या करना है आपको, जो मैंने बताया कि 10th पास किए हैं तो आप मन से पढ़ो, लगन से पढ़ो, और देखो कि आजकल भाई सब लोग को मालूम है कि आजकल एक लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो एक जॉब अभी पहले आप हासिल कर लो। ठीक है, उसके बाद जो आपका होगा मन में बिजनेस या फिर वैसा कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ आप मतलब अपने से खुद सजेस्ट कर सकते हो, खुद से आपको भाई आजकल ऐसा ज़माना है कि खुद से आपको देखना पड़ेगा कि हम अपने लाइफ में कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे हमको करना है कि हम आगे चल के अपने पैर पे खड़े हो जाएं, ताकि ताकि क्या कहने का मतलब है कि आपका भी एक दिन फैमिली बड़ा होगा, आपका भी फैमिली होगा तो आप अच्छे से खुश रखें, मतलब परिवार को खुश रखें, ये सब चीज़ें। बहुत यार देखिए आजकल जो पैसा नहीं कमा रहे हैं ना कितना, वो तो सब लोग को मालूम है कि भाई पैसा कमाना आज के डेट में कितना मुश्किल है, तो इसलिए
जितना हो सके दोस्तों मन से पढ़ो, लगन से पढ़ो। ये सब चीज़ें नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसा है तो पढ़ेंगे, नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, देखिए थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से मैं आपको फैसिलिटी नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए तो दिल से सॉरी बोलेंगे। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो मैं, मेरे तरफ से बहुत बड़ी सुविधा आने वाली है। तो मतलब कि शायद ऐसा कोई इंडियन नेवी AMR के लिए स्पेशल या फिर AA के लिए, SSR के लिए कोई देगा, ठीक है। बहुत बड़ा हम बदलाव करेंगे, ऐसा है मतलब कि आपको A to Z फैसिलिटी, ताकि आप मतलब ऐसा आपको लगे कि भाई फ्री का जो क्लास है भाई बिल्कुल में बेस्ट है भाई। ऐसा कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि भाई हर चीज़ पैसे से ही नहीं होता है भाई। अगर मान लीजिए आप, अगर आप हैं तो हम हैं, कहने का मतलब ये है अगर आप हैं तो हम हैं। मान लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम तो यहीं पर रह जाएंगे, तो क्यों नहीं आपको हम आपको हेल्प करें, आपको सेवा करें, आपको मदद करें, आपको आगे बढ़ाएं। ये चीज़ होना चाहिए सभी के साथ, ठीक है। तो सभी लोग मन से पढ़ो, मन तन धन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से। अगर कोई दिक्कत है तो ज़्यादा हमसे बोलिए, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हो, बस अपना इनको इग्नोर कर देंगे, वीडियो नहीं देखेंगे वैसे कर देंगे, फिर लास्ट में जो डिसीजन होगा फाइनल वो कमेंट करके ऐसा ऐसा कर देंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको खुद से केयर करना है, और आज की डेट में एक नौकरी फिर से मैं बोलता हूँ कि ज़रूरी है। तो सभी के लिए अभी के लिए इतना ही था। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई ख़ास नहीं है, 10th और 12th के बाद नेवी ज्वाइन करना, और मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका होगा मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप बस INS चिल्का जाएंगे, वहाँ पे आपका एक छोटा सा मिनी एक मेडिकल होगा, देखा जाएगा टूटा फूटा। अगर कोई दिक्कत नहीं तो फिट, अगर कोई दिक्कत भी हो जाता है तो आपको वहाँ पे मतलब लगभग लगभग वो लोग फिट ही कर लेते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत ना हो तो, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको किसी भी और मतलब माइंड में डाउट चलता होगा कि सर इंडियन नेवी AMR में क्या क्या, अगर हमसे छूट गया हो तो आप मुझसे सजेस्ट मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या सर ये आपने नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सब चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ और सभी जगह फॉलो करो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।